कोरोना काल में जारी मंदी के बीच शेयर बाजार में जारी तेजी किसी के गले उतरने को तैयार नहीं है। बीते दिनों आरबीआई ने निवेशकों को साफ लफ्जों में चेतावनी दी थी कि वो शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करें। आरबीआई ने भी शेयर बाजार में जारी तेजी और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को बेमेल करार दिया था। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब SBI के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बीते साल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय कंपनियों के मार्केट कैप में सबसे तेज इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान देश की GDP में गिरावट आई है, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है। जानकारों का भी मानना है कि शेयर बाजार में आई तेजी के ठोस कारण नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को सोच समझकर बुनियादी तौर पर मजबूत कंपनियों में ही पैसा लगाना चाहिए। अगर इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करता जा रहा है और मार्केट एक बबल बना रहा है, तो अगर बड़ी गिरावट यहां पर होती है तो इन्वेस्टर को बड़े नुकसान हो सकते हैं। और इसी वजह से यहां पर रिपोर्ट जारी की गई है कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि SBI की रिपोर्ट में शेयर बाजार में तेजी के कारणों का भी खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा निवेशकों की शेयर बाजार में कोरोना काल के दौरान दिलचस्पी बढ़ गई है। 2020-21 में खुदरा निवेशकों की संख्या में 1.42 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल अप्रैल और मई में इनकी संख्या 44 लाख और बढ़ गई है। दरअसल शेयर बाजारों में डिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ने की वजह ये रही है कि दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले शेयर बाजार में उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलने का भरोसा है। इसके साथ ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से लोग घर पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, जिससे वो ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से निवेश कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास जॉब जाने के बाद अब स्टॉक मार्केट की तरफ जो जमा पूंजी थी उससे निवेश की रणनीति बनाकर वहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है और स्टॉक मार्केट में तेजी का एक साइन देखने को मिला है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही मार्केट ज्यादा जोखिम का सबब बन गया है। अप्रैल 2020 में सेंसेक्स 28,000 पर था, जो फिलहाल 52,000 के पार चला गया है। SBI के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक शेयर बाजारों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जबकि अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिससे वित्तीय स्थिरता का मुद्दा पैदा होने की आशंका है। SBI के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमारे वित्तीय स्थिरता इंडेक्स में अप्रैल 2021 में सबसे कम सुधार हुआ है। यानी संदेश साफ है कि शेयर बाजार में निवेश से पहले इसके जोखिमों को समझकर ही अपनी गाड़ी कमाई लगानी होगी।